तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग मोटोरोला E7 पावर की। दोस्तों एक बजट ओरिएंटेड फ़ोन है, स्पेसिफिकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है बजट को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी मोबाइल महंगे हो चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका प्राइस भी बताने वाला हूं दोस्तों। इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इसके अंदर फीचर हैं, वो भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखिए दोस्तों, ये रहा मोबाइल जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, मोटोरोला E7 पावर। दोस्तों यहाँ से मैंने इसको चाकू से काट लिया है ताकि वीडियो में टाइम ना लगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये एक ही दिन के यानी कि विदिन 24 आवर्स ये दोस्तों डिलीवर कर दिया फ्लिपकार्ट ने। जो तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने ये बॉक्स से मोबाइल को निकाल लिया है। मोटोरोला E7 पावर बजट ओरिएंटेड फ़ोन है दोस्तों। तो आप यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छा ये फ़ोन लग रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का फ़ोन है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं बॉक्स में क्या क्या है दोस्तों। बॉक्स में आपको सिम इजेक्ट टूल मिलेगा दोस्तों, इसके अलावा चार्जर मिलेगा दोस्तों 10 वॉट का आपको, और ये केबल मिलेगी दोस्तों। तो इसको रखते हैं बॉक्स को साइड में, बात करते हैं दोस्तों मोबाइल की। तो यहां पर आप मोबाइल देख सकते हैं, जो ये वेरियंट दोस्तों 4GB+64GB का वेरिएंट है, 5000mAh की बैटरी है, 10 वोल्ट का चार्जर है इसमें, और इसकी जो आप एक्सटर्नल मेमोरी बढ़ा सकते हैं दोस्तों 1TB तक, 1TB तक बढ़ा सकते हैं। बात करें कैमरा की, तो पीछे डुअल कैमरा सपोर्ट है दोस्तों, 13MP+2MP विद फ्लैश लाइट, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें दिया गया है दोस्तों। पीछे ही स्पीकर है इसमें, इसके अलावा यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर पावर का बटन है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इसकी साइज़ की बात करें, स्क्रीन साइज़ की इस मोबाइल की दोस्तों, तो 6.51 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है दोस्तों। इसके अलावा जो इसका प्रोसेसर है दोस्तों, हीलियो मीडियाटेक का हीलियो G25 प्रोसेसर है इसमें दोस्तों। और आगे जो कैमरा है दोस्तों, 5MP का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा नीचे ये आपको चार्जर लगाने के लिए है, ये माइक है दोस्तों। इसके अलावा जो ऊपर है दोस्तों, ये 3.5mm का जैक है जिसमें आप ईयरफोन लगाकर एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक या कोई भी वीडियो दोस्तों। इसके अलावा और इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है दोस्तों। मीडियाटेक का प्रोसेसर है इसमें, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बजट ओरिएंटेड फ़ोन है। 8799 का मुझे मिला है 4GB+64GB का। इसके अलावा 2GB 32GB वाला भी वेरियंट आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, 8000 के आसपास का, 8200 के आसपास का आपको वो मिल जाएगा दोस्तों। पर ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बजट ओरिएंटेड फ़ोन है, क्योंकि महंगे हो चुके हैं काफ़ी फ़ोन दोस्तों। तो ये आप फ़ोन आपको पड़ेगा पूरे बजट में दोस्तों। अगर आप रेडमी या रियलमी नहीं लेना चाहते हैं, मोटोरोला का फ़ोन लेना चाहते हैं, एक ब्रांडेड फ़ोन लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं मोटोरोला E7 पावर। काफ़ी पसंद आएगा ये फ़ोन आपको दोस्तों। इसमें एक रेड या ऑरेंज कलर का भी कलर आता है, इसके अलावा ये ब्लू कलर है, आप ये भी ले सकते हैं। लिंक आपको मैं नीचे वीडियो के नीचे दे दूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जा करके। और अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर खरीदेगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों इसमें आपको ये बैक पैनल भी मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के साथ आता है जब आप फ़ोन खरीदेंगे, तो उसी के साथ आपको ये बैक पैनल मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। दोस्तों आप मोटोरोला E7 पावर में आपको जो मिलेगा, ये हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, जिसमें कि या तो आप 2 सिम यूज़ कर पाएंगे या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड। आप 2 सिम और प्लस 1 मेमोरी कार्ड यूज़, तीनों चीज़ यूज़ एक साथ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये हाइब्रिड स्लॉट है इसमें, तो आप सिर्फ एक टाइम पे 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड या फिर टोटल 2 सिम आप यूज़ कर पाएंगे विदाउट एनी मेमोरी कार्ड। इसके अलावा कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा अगर आप ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं। और इसके अलावा डील्स या ऑफ़र जो भी ऑनलाइन आते हैं, उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी जानना हो तो कमेंट में ज़रूर प्लीज़ लिखिएगा दोस्तों। इसके अलावा कोई ऑफ़र वगैरह भी आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, जब भी आपको कुछ ख़रीदना हो फ़ोन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये 4G फ़ोन है, और ऐसा इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। इसके अलावा जैसे ही मैं इसको दोस्तों सेटअप करूँगा, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं डाल दूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर चेक आउट करते रहिएगा दोस्तों। और इस फ़ोन के बारे में आप जाकर के लिंक पे ट्राई करिएगा, और पूरी रिव्यू डिटेल आप वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हो। कुछ समझ नहीं आता है तो वो भी आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। पर ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मैं आपको बता देता हूँ, आप रिव्यूज़ के यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं दोस्तों। बजट के हिसाब से काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें, सारी ही बेसिक चीज़ें सब अच्छी दी गई हैं, जो आज के टाइम में बेसिक ही कहलाता है दोस्तों। डुअल कैमरा भी आज के टाइम में एक बेसिक ही कहलाता है दोस्तों, नहीं तो क्वाड कैमरा ट्रिपल कैमरा आ रहे हैं दोस्तों आजकल। फुल HD डिस्प्ले आ रही है, पर दोस्तों वो काफ़ी 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 के फ़ोन में आपको मिलेगा दोस्तों। पर ये बजट ओरिएंटेड फ़ोन की बात करें तो दोस्तों 8,000
799 यानी कि अंडर 9000 में आपको ये पड़ रहा है दोस्तों, तो इससे बेस्ट फ़ोन नहीं हो सकता, वो भी मोटोरोला का दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर खरीदेगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। बाय बाय।